May I come in, sir? Come in. Thank you, sir. Good morning, sir. Please have a seat. Thank you, sir. वो आपने कहा था ना अपने फियांसे की फोटो लाने के लिए, तो मैंने सॉरी सर. जी सर, मैं इनसे शादी करने वाली हूँ. करता क्या है ये लड़का? ये सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं सर. पक्का इससे ही शादी करने वाली हो? जी सर. ठीक है, ये फोटो ले जाओ, अपनी डेस्क पे लगा के रखना. यस सर. सुनो, फोटो बदली तो नौकरी भी बदलनी पड़ेगी, याद रखना. नहीं सर, फोटो नहीं बदलेगी. थैंक यू सर. थैंक यू विकी, मुझे तुम्हारी वजह से नौकरी मिल गई. ये कौन है? फोटो बदली तो नौकरी भी बदलनी पड़ेगी, याद रखना. नहीं, फोटो नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए. मेरी जान, बेबी. ओए अंकल, बे अंकल, इस उम्र में लड़की को छेड़ तो शर्म नहीं आती क्या? इधर मेरी बेटी है. स्वीटू, अरे कितना दौड़ा है बेटा, 2 मिनट और रुक जाती, मेरी पूजा बस खत्म ही होने वाली थी. 2 मिनट? पूरे 2 घंटे पूजा करते हो आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतनी देर तक मांगते क्या हो? तेरी खुशी मांगता हूँ भगवान से, और क्या मांगूंगा बेटा. अच्छा, तो फोटो देखी आपने? भगवान की फोटो तो रोज देखता हूँ. भगवान नहीं तो? कुमार की फोटो नहीं देखी ना? नहीं सॉरी बेटा, फोटो में क्या रखा है? एक काम करोगी, कल उसे अपने घर बुला लो, फेस टू फेस मिल लेंगे. पक्का? पक्का. क्या हुआ डैड, ऐसे क्या देख रहे हैं? लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है. कहाँ देखा है? अरे डैड, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस है इनका, किसी बिजनेस मैगजीन में फोटो देखा होगा. हाँ करेक्ट, फोटो ही देखा है मैंने. यस, फोटो कहाँ देखी है? कहीं तुम शादीशुदा तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हैं सर, शादी कभी थोड़ी सी भी नहीं हुई शादी. ये आजकल के नौजवान इतने टेंशन में रहते हैं कि कवारे होते हुए भी शादीशुदा दिखते हैं. टेंशन मतलब, अब होने वाले दामाद हो मेरे, लड़का मुझे बहुत पसंद है. थैंक यू डैड, लव यू. हमारे जमाने में लड़कियां अपनी शादी की बात सुन के शर्म के मारे भाग जाती थी, और आजकल तो सर लड़कियां घर से भाग जाती है फिर भी नहीं शर्माती. लड़का मुझे बहुत पसंद है बेटा. सांप सांप दिखाई दे रहा है, सांप दिखाई दे रहा है. अरे पापा बॉस देख लेगा तो फिर वही चक्कर ना. ओ तेरी, ये इधर क्या हुआ? मैं पानी पी गया. ओके. अरे अच्छा, तो ये है इनके बॉस. ये अभी जो तुम्हारे साथ था वो कौन था? मेरे हस्बैंड थे. हस्बैंड? अपनी बीवी को शॉपिंग करवाने लाए थे. तो, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम खुश रहो बेटा. कैसे खुश रहे? 2 दिन तक घर नहीं आते आपके चक्कर में. मेरे चक्कर? एक इंसान को 4-4 ऑफिसेस दे रखे संभालने को, ऊपर से बॉल भी घुमाने ले आते हैं. आपको अपनी बीवी के साथ आना चाहिए शॉपिंग करने, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं. आयू, चलिए. फ्रॉड, ऑलरेडी शादी कर चुका है और मेरी बेटी से भी दूसरी शादी करना चाहता है. मर गए. ये मेरा यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ेगा. ओ, तो ये है तुम्हारे बॉस? इन्होंने जीना हराम कर रखा है हमारा. अभी ठीक करती हूँ. ये अभी अभी तुमसे जो बात कर रहा था वो कौन था? मेरे हस्बैंड थे. आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें होने वाली है. तुम्हें पता है उसकी 2 नहीं 4 ऑफिस संभाल रखे हैं आपके. आपकी वजह से उन्हें मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता है. घर में झूला आया है लेकिन बच्चा नहीं आया अभी तक. झूला? बच्चा? अरे मैं तो होंगे आप उनके बॉस,
लेकिन मैं बीवी हूँ उनकी। अभी से बता रही हूँ, कल करवा चौथ है, चांद निकलने से पहले उन्हें घर नहीं भेजा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। हाँ चलो हटो। पहली को पता नहीं है कि दूसरी ऑलरेडी रखी हुई है, और दूसरी को पता नहीं है कि पहली ऑलरेडी पहले से ही है। कहाँ गया बदमाश? अभी तू यहीं था। मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की ने मुझे अंदर खींचा। मतलब क्या? हाँ, यहाँ तो मेरे हस्बैंड खड़े थे। तो वो तुम्हारा भी हस्बैंड है? तुम्हारा भी मतलब? एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए सर आपको? ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? बाहर चलिए। ऐसे लड़के से शादी करने से बेहतर है भले ही मेरी बेटी जिंदगी भर कमारी रह जाए। कहाँ गया ये? मेरे हाथ में आ जा तो जेल में मनवाता हूँ तेरा करवा चौथ। मैं हेल्प यू मैम। या प्लीज, थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चौथी बीवी, वो भी बच्चे के साथ? आज केक काटेंगे। रुक 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 रुक, ये भी तेरी बीवी है ना? एक्सक्यूज मी, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये तो मेरी बस हेल्प कर रहे हैं। अरे आपको सच नहीं बोलना था आपको? वो तीनों लड़कियों की तरह झूठ बोला था, जैसे उन तीनों लड़कियों ने झूठ बोला मेरे साथ मिलके और इनको अप्रैल फूल बनाया। आपने सारा काम खराब कर दिया बहन जी, आपको छोड़ देता हूँ। अप्रैल फूल अप्रैल फूल। अच्छा वो उसने आपको अप्रैल फूल बनाया? अरे आप उस पे शक करते हो ना, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन पूरे मॉल में मेरे, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि एक आदमी तीन दिन शादी का? हसो मत प्लीज, हसो मत। जो लड़का अक्टूबर के महीने में अप्रैल फूल बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हसो मत, अरे हसो मत। तुमने क्या सोचा था? तुम कोर्ट तक जाओगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा। तो क्या करती मैं? आपने और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था मेरे लिए? तो ये रास्ता ढूंढा तुमने? ये एक नंबर का धोखेबाज है, कितनी बार समझाऊं, एक नंबर का कमीना है, इसकी सगाई हो चुकी है। नहीं हुई इनकी सगाई। अच्छा, तुम्हारी सगाई नहीं हुई है? नहीं सर, सगाई तो मेरी आज तक नहीं हुई। अच्छा, अभी बताता हूं मैं। पूजा। जी सर। बताओ इसे, तुम्हारी इससे सगाई हुई है या नहीं? ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ ना सर, मैं लाइफ में पहली बार इनकी शक्ल देख रहा हूँ और आप कह रहे हैं मेरी इनके साथ सगाई हुई है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसने ही कहा था। बताओ बताओ। हाँ सर। देखा? नहीं, ये सच कह रहे हैं। क्या? मेरी इनसे सगाई नहीं हुई है। सुन लिया आपने डैड? अरे लेकिन तो फिर ये फोटोग्राफ अपने डेस्क पे क्यों लगा के रखी थी तुमने? एक मिनट, कुमार की ये फोटो तो मैं आपके टेबल पे छोड़ के गई थी। तुम? हाँ सर, मैं भी अपनी फियांसी की ही फोटो लाई थी, लेकिन पता नहीं यहाँ कैसे बदल गई। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी सर, इसलिए मैं चुप रही। आई एम वेरी सॉरी सर। क्या सॉरी? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरे होने वाले दामाद पर शक कर रहा था मैं। मेरी बेटी का दिल दुखाया मैंने। यू आर फायर्ड, नई नौकरी ढूंढ लो, गेट आउट। छोड़ दीजिए ना सर, वैसे भी इंसान मजबूरी में ही झूठ बोलता है, और ये बात मेरे से बेहतर कौन जानता है। जाने दीजिए ना सर। हाँ डैड, प्लीज इसे माफ कर दो ना। ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए माफ करता हूँ, जाओ। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी नौकरी बच गई। नो प्रॉब्लम, मुझे वैसे भी लड़कियों को बचाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, फिर चाहे मैं खुद फंस जाऊं। नो प्रॉब्लम, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर।
पापा मैं क्या चाहता था? हाँ बोलो बेटा। आप हमारी शादी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ? तो एक छोटा सा अरमान मेरा भी है। अरे बोलो बेटा बोलो, और तुम जो बोलो करने के लिए तैयार हो, क्योंकि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, तीन चार बार थोड़ी ना होती है। बोलो। हाँ मतलब मैं ये चाहता था कि हमारी शादी में सबको अपनी शादी याद आ जाए, यू नो, ना मैं अकेला दूल्हा रहूं, ना दीपिका अकेली दुल्हन रहे, हर लड़का दूल्हा हो, हर लड़की दुल्हन हो। अरे बेटा मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, सामूहिक विवाह थोड़ी करवा रहा। नहीं नहीं, शादी हमारी होगी, लेकिन यू नो, हर लड़का दूल्हे के लिबास में आए, हर लड़की दुल्हन के लिबास में आए, यू नो, इट्स गोना बी अ थीम वेडिंग, हर जोड़ा शादी का जोड़ा। वाह, व्हाट अ ग्रेट आईडिया, है ना डैड? यस, ऑफ कोर्स। मेरी शादी की शेरवानी मंगाओ। अरे कहाँ गया कुमार, ये इतने सारे गधों को दूल्हा बना रखा है इसने। कुमार, कुमार, अंकल आपका दूल्हा वहाँ है। अरे क्या अजीब सी थीम रखी है, कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता। पापा मैं यहाँ हूँ। देखा, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। अरे अच्छा है दूल्हने घूंघट में नहीं है, नहीं तो 40 थप्पड़ खा चुका होता सुबह से। पापा इससे पहले कि और दुल्हने आए, आप मेरे वाली दुल्हन को बुलाइए ना प्लीज। अरे बेटा इसीलिए तो आया हूँ। दीपू तुम्हें कब, ये देखो दीपू। ए दीपू बेटा, ये रहा कुमार। बेटा कुमार, तुम्हारे माँ बाप भी शुभ अवसर पर आ जाते तो कितना अच्छा लगता। वो तो आने ही चाहते थे, लेकिन उनके जोड़ों में दर्द। एक्चुअली जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया है कि दर्द हर्निया तक चला गया है, और वो उसी की वजह से ना चल फिर भी नहीं सकते जी। हमें कौन सी परेड करवानी थी उनसे, आराम से सोफे पे बैठ के बेटे और बहू को आशीर्वाद दे देते। पर पापा वो बैठ भी नहीं सकते, एक्चुअली कुछ दिनों से उनकी पाइल्स में सूजन आ गई है। पाइल्स में सूजन? लेकिन हमने तो सुना था कि गांव के लोग बड़े तंदुरुस्त होते। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम वीनस। फॉर मोर एंटरटेनमेंट लॉग ऑन एंड सब्सक्राइब टू www.youtube.com/venusmovies.